हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? मैं भी मज़े में हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दिवाली की बची हुई खीर का स्वादिष्ट नाश्ता, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल। तब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम घी खीर, ये मेरी दिवाली पर थोड़ी सी बच गई थी। चलो इसको हम मिक्सर में थोड़ा सा पीस लेते हैं। देखो ये मिक्सर जार लिया है, मिक्सर जार में इसको हम डाल देते हैं। इधर इधर पीस लेंगे थोड़ा सा। ये देखो मैंने इसका ऐसे दरदरा पीस लिया है, इसको इस तरह का पीसना है। अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। इसको बाउल में डालने के बाद लेंगे एक बड़ा बाउल। ये देखो एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम ये खील डाल देते हैं जो हमने मिक्सर में चलाई थी। फिर इसमें हम डालेंगे एक बाउल सूजी। एक बाउल सूजी डाल दिया है, ये नॉर्मल वाली सूजी है, आपके पास जौन सी सूजी हो कौन सी सूजी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, फिर बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर। अगर आपके पास और वेजिटेबल्स हों तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली बारीक चॉप करी हुई। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया, एकदम ताज़ा धनिया है ये बारीक कटा हुआ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, घर में बनाया मैंने ये वाले चिली फ्लेक्स, इजीली बन जाते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही, ये ताज़ा दही है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप मट्ठे का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम प्लेट से ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जैसे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। इसको हम प्लेट से ढक के रख देते हैं। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर 10-15 मिनट बाद देखेंगे तो देखो सूजी हमारी कितनी फूल चुकी है, देखो कितना गाढ़ा हो गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा पतला बनेगा ना ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। इसको देखो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इडली स्टैंड को प्री हीट करने के लिए रख देंगे गैस पे। उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको कवर करके रख देंगे। देखो मैंने कवर कर दिया अच्छे से। ये देखो अब इसमें हम इडली स्टैंड में की प्लेट्स में ऐसे हम ऑयल लगा लेते हैं जिससे हमारी इडली चिपके ना। इडली स्टैंड की प्लेट अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ये देखो मैंने सब में अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हमने जो बैटर बनाया था ना वो फिल करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर ऐड कर लेते हैं। देखो ये इनो पाउडर है, इनो पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इनो पाउडर डालने के बाद जल्दी से मिक्स करके जल्दी से स्टीम करने रख देंगे। देखो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इनो पाउडर, अब प्लेट्स में लगा लेते हैं। आज हम बना रहे हैं खीर का नाश्ता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो फिल करना स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा थोड़ा फिल कर लेंगे, ऐसे सारे फिल करते जाएंगे। देखो मैंने ये सारे अच्छे से फिल कर लिए, हमारा वो प्रीट हो चुका है अच्छे से, और उसमें हम लगाते जाएंगे। ये देखो अच्छे से कवर कर दिया मैंने, अब उसको हम ढक के रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे करना है ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट के लिए, पक होने आने देंगे इसको स्टीम। देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ना, इसको दोबारा से कवर कर दे रख दे। अब चेक कर लेते हैं हम नाइफ के हेल्प से। ये देखो नाइफ हमारा ये वाला साफ आया हल्का सा, और ये वाला थोड़ा सा गंदा आया, इसलिए हम दोबारा से कवर करके रख देंगे, जिससे सारी इडली अच्छे से स्टीम हो जाए। अब चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये देखो नाइफ हमारा कितना साफ आया। चलो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इनको इडलियों को हम निकाल लेते हैं, ठंडा होने के बाद निकालेंगे। देखो ठंडी हो चुकी है, तो मेरे एकदम आराम से निकल जाती हैं। वाह कितनी अच्छी बनी है ना, कितनी फूल गई हैं। अब हम रखेंगे फ्राई पैन, फ्राई पैन में डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये मेरा। अगर आपके पास कोई और ऑयल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई, सरसों भी बोलते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता भी डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें तिली, सफ़ेद तिली, इसको हम थोड़ा सा हो जाने देंगे। फिर इसके बाद हमने जो इडली बनाई थी वो रख देंगे। अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प हो जाने देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको अच्छे से। अब इसको हम पलट 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 देते हैं, अलग पलट कर सीख लेंगे दोनों साइड से। चलो अब हम पलटना स्टार्ट करते हैं, मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं ये भी हम। वाह कितना अच्छा कलर आया है ना गाइस, मेरे तो अभी इसे मुँह में पानी आया, जल्दी से बन जाए। देखो अच्छे से सिक चुकी हैं ये एक साइड से, उस साइड दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे हिला हिला के अच्छे से सेक लेंगे, जिससे अच्छे से तिली और ट्राई अच्छे से चिपक जाए। ये देखो कितनी अच्छी से सिक चुकी हैं। वाह खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है राई और तिली की। इनको हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से सिक चुकी हैं। चलो अब हम ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ। अगर आपके पास नारियल की चटनी हो तो आप नारियल की चटनी के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बची हुई खील का नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए वाह कितनी स्पॉन्जी बनी है ना। इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपके पास नारियल की चटनी हो तो आप नारियल की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।